आज हम बनाएंगे अरहर और पालक की दाल, जिसे तूर दाल भी बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए शुरू करते हैं दाल बनाना। मेरा नाम है नितिन शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल घर वाला में। मैंने ली है 1 कटोरी अरहर की दाल और इसको अच्छे से पानी से साफ़ किया है। 3 से 4 बार पानी से साफ़ करेंगे, क्योंकि जो इसके ऊपर केमिकल लगा होता है और जो इसके ऊपर गंदगी लगी होती है, वो 3 से 4 बार में धोने से ही साफ़ होगी। और इसको साफ़ करके इसमें गर्म पानी डाल के उबलता हुआ थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसको एक तरफ रख देंगे। फिर हम करेंगे अपना दूसरा काम। ये देखिए, इसमें गर्म पानी डाल के अब हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे, जिससे कि दाल जो थोड़ी बहुत गलनी है वो कुकर में डलने से पहले ही गल जाए। और ये लेंगे हम पालक की पत्तियाँ। इन पत्तियों को हम डंडियों से कर देंगे अलग, क्योंकि डंडियाँ दाल के साथ जब पकाएंगे तो फिर डंडियाँ अधकच्ची रह जाती हैं, तो इसलिए ढंग से बनती नहीं है। इसलिए हम पत्तियों को अलग करके और छोटा छोटा काट के इनको एक तरफ रख देंगे धो के साफ़ करके। ये मैंने साफ़ कर ली हैं पत्तियाँ और उसके बाद मैं अब इनको काट रहा हूँ। ये काट के मैं एक तरफ रख लूँगा और इनका काम थोड़ी देर बाद है, इसलिए इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हम लेंगे एक प्याज, 3 टमाटर, 3 हरी मिर्च, 8-10 लहसुन की कलियाँ और छोटा सा अदरक। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, थैंक यू। सभी टमाटर, अदरक, लहसुन और काली और हरी मिर्च, ये चारों काट के हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। प्याज नहीं काटेंगे, प्याज हम छोटा छोटा काट के उसको अलग से भुनेंगे। ये प्यूरी हम तैयार कर लेते हैं इसकी, सब कुछ डाल के। ये देखिए, छोटा छोटा काट के इसमें डाल लेंगे और इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगी। ये देखिए, अब हम इसको प्यूरी बना लेंगे इसकी। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी, ये देखिए ऐसी। फिर इसके बाद जो हमारी दाल 10 मिनट तक हमने रखे रखी, इसको अब हम कुकर में डालेंगे और 3 गुना पानी डालेंगे। जितनी दाल लेंगे उसका 3 गुना पानी डाल के इसको 2 सीटी तक पकाएंगे और गैस रखेंगे हम मीडियम। थोड़ी सी हल्दी और ज़रा सा नमक, नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि नमक हमें बाद में मसाले में भी डालना है। अब इसे ढक के इसमें हम 2 सीटी लगवा देंगे। और ये प्याज हम छोटा छोटा काट लेंगे। सिर्फ एक ही प्याज लिया है मैंने, हम चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, लेकिन इस दाल में प्याज कम और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसके बाद हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी, उसमें लगभग 1/2 चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग और थोड़ी सी अजवाइन, ज़रा सी डालेंगे अजवाइन भी, अजवाइन मैं लिखना भूल गया। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को बहुत हल्का हल्का भुनेंगे, बहुत कम, हल्का हल्का ब्राउन जब तक होगा तब तक भुनेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे इसको। देखिए ऐसा हो जाएगा, जब प्याज हल्का सा लाल हो जाएगा फिर इसमें हम डाल देंगे प्यूरी जो हमने बना के तैयार करी थी। अब प्यूरी को हल्का हल्का हिलाएंगे, अभी इसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे, मसाला डालेंगे इसमें बाद में जब ये हल्की सी पक जाएगी प्यूरी और प्याज, नहीं तो मसालों का टेस्ट
चला जाता है इससे, ऐसी दिखने लगेगी। फिर आप इसमें एक चम्मच हल्दी डालें और एक चम्मच पिसा हुआ धनिया, जरा सी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, कम ही नमक क्योंकि हमने नमक पहले भी दाल में डाला हुआ है दाल उबालते हुए। फिर इसे अच्छे से मिक्स करके दो तीन मिनट के लिए इसे हिलाएंगे, दो तीन मिनट में ही ये अपना घी छोड़ना शुरू कर देगा। देखिए हमने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पालक काट के रखा हुआ है, और कटे हुए पालक में जो पहले से ही मॉइस्चर होता है तो इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। जब हम इसमें पालक डाल देंगे तो पालक अपने आप ही उसका पानी छोड़ेगा अपना, और इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ढंग से मिक्स करेंगे अब, और मिक्स करके दो मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देंगे, तो इससे पालक और मसाला आपस में अच्छे से मिल जाएंगे। दो मिनट तक ढक के रख देंगे इसको। देखिए दो मिनट बाद इसका रंग ऐसा हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर हम जो हमने दाल की में दो सीटियां लगाई थी, अब हम उस दाल को इस मसाले में मिलाएंगे। अगर आपको दाल हल्की सी गाढ़ी लग रही हो, लगता है कि यार थोड़ी सी गाढ़ी है, तो आप इसमें आधी कटोरी या एक कटोरी पानी और डाल सकते हैं। और फिर इसमें हम एक आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी डाल के इसे हम फिर 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि ये पालक और दाल दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हम ढक के रख देंगे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए, और 5-7 मिनट बाद हमारी दाल तैयार हो जाएगी। ये देखिए हो गई है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही पौष्टिक अरहर और पालक की दाल।